अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हैं आसमास कुकिंग स्पॉट, आपका अपना कुकिंग चैनल। तो जनाब, जैसे आप जानते हैं कि गर्मियाँ आ रही हैं और जैसे ही गर्मी ज़्यादा होने लगती है, टेम्परेचर अप होने लगता है, तो दिल चाहता है कि ठंडी ठंडी मज़ेदार मीठी मीठी सी चीज़ें बना के खाई जाएँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम कोई मीठे की रेसिपी बनाएं। तो मैं बनाने लगी हूँ फालूदा ड्रिंक। तो आप चैनल को फॉलो करते रहें मजेदार सी रेसिपीज के लिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिले। तो चलें ये यमी सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट कार्ड आपको दे दिया है, इस पर से इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम जेली बनाएंगे। ये पैकेट की जेली है, मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की ली थी। आपको जो आपके पसंद का फ्लेवर हो वो लें, इंस्ट्रक्शन बॉक्स पर लिखी होती हैं, उसको फॉलो करें और बना लें और फ्रिज में रख लीजिए। तो ड्रिंक बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है दूध। मैंने 4 कप मिल्क लिया है मेजरिंग कप से, और ये लेकर हम एक सॉस पैन ले लेंगे और इसके अंदर इसको बॉयल करने के लिए रख देंगे। फ्लेम इसका मैंने मीडियम पर सेट किया है। चलें जनाब, इसी में मेजरिंग कप से मैंने लिया है 1/2 कप मिल्क। इसके अंदर हम डालेंगे 3 टेबलस्पून कस्टर्ड के। मैंने वनीला फ्लेवर चूज़ किया है, आपको जो सा फ्लेवर पसंद है आप वो ले लीजिए। तो चलें अब इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इस तरह से कि इसमें गुठली ना रहे। और याद रहे, ये दूध हमने ठंडा लेना है। मिल्क हमारा रेडी हो गया है, हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। पहले दूध हमारा गर्म होना शुरू हो गया है यहाँ पे, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 कप के बराबर चीनी। मेजरिंग कप से मैंने लिया है 1/2 कप। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आप बढ़ा भी सकते हैं। चलिए इसको हम खूब अच्छे से हिला लेंगे और मीठे को मिक्स कर लेंगे इसमें। चलिए हल्की आंच पे दूध बन रहा है, तब तक हम दूसरी साइड पर एक और सॉस पैन में पानी गर्म करने के लिए रखेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे कलरफुल सेवइयां। जब पानी गर्म हो जाएगा, ये 1 कप सेवइयां हैं, मैंने नाप कर ली हैं मेजरिंग कप से। तो देखिए पानी बॉइलिंग पॉइंट पर आया है, तो हमने साथ ही इसमें सेवइयां ऐड कर दी हैं। ये बड़ी नाजुक सी सेवइयां होती हैं, बड़ी जल्दी से गल जाती हैं। इसको मिल्क में इसलिए नहीं पका रहे कि इसमें स्टार्च होती है ना, तो वो मिल्क का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसको बॉयल करके इसकी स्टार्च निकाल देंगे सारी। तो मिल्क गाढ़ा हो रहा है, तो इसको हम और खुशबूदार बनाने के लिए इसमें डालेंगे रोज वाटर 1 टेबल स्पून। ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे तो डालिए, नहीं तो ना डालें। साथ ही इसको थिक करने के लिए हमने इसमें डाल लिया है कस्टर्ड मिक्स जो बनाया था। इसको हम देख देख कर डालेंगे, हमने इसको बहुत गाढ़ा नहीं करना, हमने हल्की सी थिकनेस इसको देनी है, क्योंकि बेसिकली ये मिल्क है, ड्रिंक है। सो ये ना हो कि बिल्कुल वो डिजर्ट की तरह बन जाए ना, हमने इसको इतना थिक करना है बस जितना के ड्रिंक की कंसिस्टेंसी होती है। तो चलें ये देखिए, हमने इसमें सारा ही डाल दिया था जितना मैंने इसमें निकाला था, और ये बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो रहा है। ये देखें चम्मच से सारा उतर रहा है, बस हल्की सी लेयर चम्मच के ऊपर है, और ये जब ठंडा होगा तो थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। इस बात का बहुत ख्याल रखना है, आपकी सारी जो इसका मज़ा है ना, वो इसी चीज़ पर डिपेंड करता है। तो कस्टर्ड डालने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट और पकाया है बस, और ये रेडी हो गया है बिल्कुल। अब इसको उतार लेंगे और साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो देखिए इतनी ही देर में हमारी सेवइयां भी रेडी हो गई हैं बिल्कुल, और अब हम इनको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे और निकाल लेंगे बिल्कुल। एक दफ़ा इसको ठंडे पानी से गुजार लेंगे ताकि ये और ना गले, और पानी जो है उसको गिरा देंगे, ज़ाया कर देंगे। चलें अब हमने अपने जो कस्टर्ड ड्रिंक बनाया है उसको हम स्ट्रेनर की मदद से थोड़ा सा इस तरह से छान के निकालेंगे, ताकि कस्टर्ड है ना, तो हो सकता है कि कोई इसमें गुठली बन गई हो छोटी सी, तो वो निकल जाएगा और स्मूथ सा हमारे पास ड्रिंक रेडी हो जाएगा। अब इसके अंदर हम ठंडी की हुई अपनी फलूदे की सेवइयां जो हमने बनाई थी वो डालेंगे। ये देखिए इनका स्टार्च चूंकि निकल गया है, तो ये बहुत ही अलग अलग सीर खुली खुली सी बनी है। अब जब ये ठंडा भी हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं होंगी, क्योंकि इनका सारा जो गाढ़ा करने वाला होता है ना, उसमें स्टार्च होता है बेसिकली, वही इसको गाढ़ा करता है। तो वो निकाल दिया है हमने, अब ये बहुत ही मज़ेदार और ऐसे ही रहेगा ठंडा होने के बाद भी। तो चलिए अब इसको हम और रिच फ्लेवर देने के लिए इसमें डालेंगे हैवी क्रीम। 1 कप डाली है मैंने, आप अपनी मर्जी से डाल लीजिए, थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारे जली जो है वो भी सेट हो गई हुई है, इसको हम बारीक बारीक से बिल्कुल क्यूब्स में काट लेंगे, बहुत थिन क्यूब्स, क्योंकि ये आपके ड्रिंक के साथ ही आपको चाहिए।
तो इतना ही चंक होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े चंक ना हो। बड़े चंक आप काटेंगे लेकिन वो डेकोरेशन के लिए जो ऊपर थोड़ी सी की जाती है ना उसके लिए। तो देखें आप कोई रबड़ का, सिलिकॉन का, इस तरह का जो होता है ना स्पैचुला, उसकी मदद से हम सारी जो इसकी बनी है ना क्यूब्स छोटी छोटी, उनको खोल लेंगे इस तरह से, अलग सेपरेट कर लेंगे। इतने मजे की, ऐसे लग रहा है कोई रूबी है जिस तरह से ना। और ये आप हमारा सर्विंग डिश है, इसके अंदर हम डालेंगे चिया सीड्स जो होते हैं ना, तुखमलंगा के सीड्स जो होते हैं हमने भिगो के रखे हुए थे पहले से। ये भी हर चीज़ हमने एहतियात के साथ डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे ताकि कोई भी चीज़ ओवरपावर ना करे इसके अंदर। अब मैं देखते हैं कि एक दफ़ा डालें फिर इसको मिक्स कर लें सारा और देखें और कितनी ज़रूरत है, फिर उतनी डालें। इसी तरीके से जली भी होगी, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो दूसरे के जायके को ख़राब कर देगी। तो इस तरीके से हम इसमें जली डालते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे, और फिर जिस पॉइंट पे हमें लगेगा ना कि इनफ हो गया है इसके अंदर, तो उस जगह पर हम इसको ला के छोड़ देंगे। अब ऊपर से हम इसमें डाल देंगे बादाम और पिस्ते बारीक बारीक से काट के, आपका जो दिल चाहता है। कुछ लोग इसमें खजूर और रेजन्स भी डालते हैं सोकी जो है, और जैसे आपको पसंद है वो चीज़ें आप इसमें डाल लें। और इस तरीके से बाकी जली ऊपर लगा के इसको गार्निश कर लें और फिर फ्रिज में रख लें ठंडा होने के लिए। तो देखें कैसा लगा आपको, देखिए ना कितनी मज़ेदार सी बन गई है। और ये देखें इसको सर्व कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये ठंडा होने के बाद भी कितना अच्छा सेट हुआ हुआ है, ये बिल्कुल गाढ़ा नहीं हुआ। थोड़ी सी इसके ऊपर हम विप क्रीम लगा लेंगे, थोड़ी सी जली टॉप पे लगा देंगे और डन, हमारा काम हो गया ज़बरदस्त सा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो मेरी रेसिपी को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।